सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान जिसका टेबल नंबर है 852, जो एक SIP जो प्लान है, एक यूलिप प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, यानी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो चाहे डेट फंड, इक्विटी फंड या मनी मार्केट में, उसके साथ साथ आपका लाइफ कवरेज भी किया जाएगा। तो दोनों के बेनिफिट्स आपको इसी प्लान में मिलेंगे, जिसके चलते एक बहुत ही बेहतरीन प्लान आगे चलकर बन सकता है। तो यहाँ पे जो अगर प्लान लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एंट्री एज जो है वो 90 डेज होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स, और पॉलिसी की जो टर्म है वो 10 साल से लेकर 25 साल तक है, और मैच्योरिटी की एज 18 साल से 85 ईयर्स। मैच्योरिटी एज यानी कि चाहे जब आप इसको पॉलिसी को ले लें, लेकिन जब तक आपके 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको यहाँ पे जो है मैच्योरिटी के जो पैसे नहीं मिलने वाले। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रीमियम आपको पे करना है वो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे प्रीमियम आप जब पे करोगे तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसके चार ऑप्शन ही अगले स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम जो मिनिमम है वो मंथली 4000, क्वार्टरली 12000, हाफ ईयरली 22000 और ईयरली 40000। तो आप इसमें से कोई भी एक प्लान चूज कर सकते हो। तो उसके साथ साथ आपको मैक्सिमम कुछ भी लिमिट नहीं है, चाहे जितना आप उसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, चार फंड है जिसमें से फर्स्ट है बॉन्ड फंड, दूसरा है सिक्योर्ड फंड, तीसरा है बैलेंस फंड, तीसरा चौथा है ग्रोथ फंड। तो बॉन्ड फंड में क्या होता है दोस्तों, कि आपके जो भी पैसे है उसमें से 60-100% आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कॉरपोरेट बॉन्ड में जाते हैं, और अगर 60% आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो 40% आपके शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जाते हैं, जिसके जहाँ पे आपका रिस्क जो है वो कम होता है, क्योंकि आप जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे पैसे लगा रहे हो। दूसरा है सिक्योर्ड फंड, सिक्योर्ड फंड में आपके 45-85% के अमाउंट जो है कॉरपोरेट बॉन्ड में जाते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाते हैं, आप चाहे जितना उसमें से चूज कर सकते हो उस रेंज में। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट से 0-40%, इक्विटी में 15-55%, बैलेंस में आपको मीडियम रिस्क है क्योंकि 30-70% आपका इक्विटी में है और 30-70% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है, और ग्रोथ फंड में आपके इक्विटी में ज़्यादा पैसे, इसीलिए रिस्क ज़्यादा है, इसके चलते आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलने की यहाँ पे संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको अभी देखना यह है कि आपका सम एश्योर्ड कितना रहेगा, यानी कि सम एश्योर्ड जो है वो 10 times ईयरली प्रीमियम, यानी कि अगर आपने 50,000 रुपये का ईयरली प्रीमियम चूज़ किया है तो आपको जो सम एश्योर्ड यहाँ पे मिलेगा वो 50,000 × 10, यानी कि 5,00,000 रुपये का। अगर आपने 1,00,000 का समय ईयरली प्रीमियम किया है तो आपको 10,00,000 रुपीज़ का सम एश्योर्ड मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिलती है, जो आप सिर्फ SIP में पैसे लगाते हो तो आपको नहीं मिलती, वो है गारंटी एडिशंस, यानी कि आपका फंड का वैल्यू जितना होगा वो तो आपका मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे जिसके चलते आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगे। तो गारंटी एडिशंस कैसे है, जैसे ही आपके पॉलिसी के 6 साल ख़त्म होते हैं तो आपको एडिशंस जो है 5% मिलेगा, यानी कि अगर आपने 50,000 रुपये की प्रीमियम हर साल भर रहे हो तो 6 साल के बाद आप 3,00,000 रुपये पे कर रहे हो, उस 3,00,000 का जो है 5% यानी कि 15,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तीसरे यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, 50,000 रुपये आप 15 साल भर ले हो, 15 साल में आपके 7.5 lakhs होते हैं, उसका 15% मिलेगा, यानी कि 1,12,500 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस चार्ट के हिसाब से आपको वैल्यू एडिशन जो है मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एक कमेंसमेंट जो रिस्क है उसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, वो है कि जैसे ही आपके बच्चे के लिए आपने अगर प्लान लिया है तो जो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क यानी कि जो बेनिफिट्स रहते हैं, डेथ बेनिफिट्स या सारे बेनिफिट्स, आओ अगर 8 साल का ऊपर का बच्चा है तो इमीजिएटली आपको मिलेंगे, अगर नीचे 8 साल से नीचे उम्र है तो यहाँ पे 8 साल कंप्लीट होने के बाद, या फिर जैसे ही पॉलिसी के 2 साल ख़त्म होते हैं, जो दोनों में से पहले आएगा उसके साथ साथ आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो बेनिफिट्स है, डेथ बेनिफिट्स में आपको जो आपका मैक्सिमम सम एश्योर्ड यानी कि 10 times एनुअल प्रीमियम और इन्वेस्टेड फंड वैल्यू, उसमें से जो ज़्यादा रहेगा वो मिलेगा, और मैच्योरिटी में आपको फंड वैल्यू मिलेगा, साथ साथ आपके गारंटी एडिशंस आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे, और मॉर्टेलिटी चार्जेस यानी कि जो लाइफ कवरेज के लिए आपके कुछ पैसे गए थे वो पैसे भी आपको यहाँ पे मिलेंगे।